को रात को 11 बजे बुलाकर और उसको जंगल में ले जाकर उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया। वो फर्जी इनकाउंटर के विरोध में आज यदुवंशी महासभा गृह मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के घर का घेराव करने के लिए आज यहाँ पर आई है और आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को हम यदुवंशी महासभा के माध्यम से एक ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन में हमारी मांग है, एक तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट सीटिंग जस्टिस की जांच हो और जो पुष्पेंद्र यादव के साथ जो धर्मेंद्र यादव दरोगा ने फर्जी इनकाउंटर किया है उसके खिलाफ 302 हत्या के तहत मुकदमा दर्ज हो, जो भी उसके साथ पुलिस वाला है और उसको फांसी की सजा दी जाए। पहले अंग्रेजों ने फूट डालो की राज किए, आज ये प्रलोभन दो और वोट लो और भूल जाओ इन पे अत्याचार करो, अत्याचार ही विकास बता रहे हैं, इतना अत्याचार करो इन पे कि ये अत्याचार को ही विकास मान ले, यही चल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसके ऊपर 50 मुकदमे थे, उसके उप मुख्यमंत्री डिप्टी मौर्य जी उसके ऊपर 35 मुकदमे थे और जो देश का गृह मंत्री है वो तड़ी पार भी रहा अपने टाइम में और उसने गृह मंत्री से लेकर 500 IPS IAS को मार दिया, तड़ी पार को आज गृह मंत्री बना दिया, जो कातिल थे वो आज कानून के रखवाले हो। तो देश के अंदर यादव ही नहीं, मैं दलित पिछड़े मुसलमान और सामंतवादी लोग चाहे वो ब्राह्मण और ठाकुर हो, जो गरीब लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जब कातिल इस देश का गृह मंत्री बन जाएगा और इस देश के अंदर 50-50 मुकदमे वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो माफिया जब सत्ता पे आ जाएगा तो जो देश का विकास करने वाले गरीब लोग हैं उनका ऐसे ही फर्जी इनकाउंटर और मुकदमा होगा। इसलिए सबसे पहले जागो और सब इस आंदोलन में, पुष्पेंद्र यादव का आंदोलन नहीं, ये यादव का आंदोलन नहीं, ये देश के लिए आंदोलन हमारा हो रहा है क्योंकि हम देशभक्त और मार्शल जाति रहे हैं, हमने देश के लिए कुर्बानियां दी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पुष्पेंद्र यादव के इनकाउंटर को देश की जनता तक और प्रधानमंत्री तक बताने का काम करें कि इसको बंद करो और नहीं तो आने वाले टाइम में इस देश का 85% जागने लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो वोट की चोक से आपको मार दे और जनशक्ति को रोड पर लाकर अन्ना हजारे की तरह रामदेव की तरह आपको खाद फेंकने का भी काम करेंगे हम।